को जय मसीह की। आज हम लोग देखेंगे कि क्या एक अन्य जाति से आई हुई स्त्री को सिंदूर बिंदी लगाना चाहिए या नहीं। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, पहला पत्रस उसका 3 में परमेश्वर का वचन कहता है, हे पत्नियों, तुम अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को न मानते हो तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, अर्थात बाल गूथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा जो श्रृंगार है, आज बहुत सारे बहनों के मन में ये क्वेश्चन रहता है कि यदि हमने परमेश्वर को ग्रहण कर लिया, मसीह में हम आ गए, तो हमें सिंदूर बिंदी लगाना चाहिए कि नहीं। तो मेरा मानना है कि परमेश्वर हमारे मन को देखता है, ना कि हमारे श्रृंगार को, हमारी सजावट को। और जैसा प्रभु का वचन कहता है कि हमारा चाल चलन पवित्र होना चाहिए जैसा प्रभु चाहता है। जब हम मसीह में हैं तो हमारा चाल चलन भी पवित्र होना चाहिए। और प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारे पति हमारी नम्रता और दीनता के कारण खींच के आए, ना कि हमारे श्रृंगार के कारण। प्रभु का वचन ही बता रहा है। और फिर आज बहुत सारी बहनों इस बात को पूछती हैं, बहुत सारी कलेशिया में भी इस बात की चर्चा की जाती है। तो प्रभु का वचन कहता है कि हमारा चाल चलन ऐसा होना चाहिए जो परमेश्वर को भाता हो। और प्रभु कहता है कि हमारे पति हमारे श्रृंगार को देख के नहीं, हमारे कपड़े हमारे पहनावों को देख कर नहीं, परंतु हमारे मन की दीनता और नम्रता के कारण हमसे बंधे रहें, हमारे पास खींच जाएं, हमारी दीनता और नम्रता के कारण। क्योंकि सारा भी अब्राहम को स्वामी कहती थी। परमेश्वर का वचन यहाँ बता रहा है कि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। अविनाशी हमारा चाल चलन ऐसा होना चाहिए, हम किसी के ठोकर का कारण ना बने। बहुत सारी स्त्रियां हैं, इनके मन में रहता है, अगर हम ऐसा करते हैं, अन्य जाति से एक आई हुई स्त्री यदि सिंदूर बिंदी लगाना छोड़ देती है, तो लोग उसे गलत तरीके से लेना शुरू कर देते हैं। अब प्रभु का वचन कहता है यहाँ पे कि हमारा श्रृंगार दिखावटी नहीं होना चाहिए। तो हमारा हम दिखावा ना करें, ना ही बहुमूल्य कपड़े, ना ही सोने चांदी के गहनों से अपने आप को सजा के रखें, परंतु अपने आप को नम्र और दीन बनाएं, अपने आप को परमेश्वर के योग्य बनाएं। हमारा चाल चलन परमेश्वर के दृष्टि में अच्छा होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। और रही बात सिंदूर और बिंदी लगाने की, तो इस सिंदूर बिंदी के न लगाने के कारण ही बहुत सारे आज मसीह भाई बहन, हम जब ऐसा करके मसीह में एक स्त्री जब ये सारी चीज़ों को छोड़ देती है लगाना, तो जब वो छोड़ देती है लगाना, जब वो दूसरों को सुसमाचार सुनाती है, तो लोगों को लगता है कि मसीह में यदि हम गए तो हमें ये सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर हमारे मन को देखता है, हमारे अंदर की दीनता नम्रता को देखता है। तो हम किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने, हम सिंदूर बिंदी बिल्कुल लगा सकते हैं। ये वचन ही कहता है हमारा दिखावा हमारा पहनावा ऐसा ना हो कि हमारे हमें देख के किसी के मन में उल्टे सीधे विचार आएं, किसी के मन में गलत बातें आएं, किसी के हम ठोकर का कारण बने, किसी के गिरने का कारण बने।